दोस्तों इस वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हमने सीखा कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समृद्ध हैं। क्या ऐसा व्यवकलन और गुणन में भी होता है? आइए देखते हैं। बच्चों, योग के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा कर चुके हैं, अब व्यवकलन पर चर्चा करते हैं। बच्चों, 3 से 8 का व्यवकलन करो। सर, इसका उत्तर है -5। शाबाश राहुल। बच्चों, अब इस सारणी को देखिए। यहाँ पर 3 और 8 तो प्राकृत संख्याएं हैं, पर इनके व्यवकलन से प्राप्त उत्तर एक प्राकृत संख्या नहीं है। बच्चों, आप इस सारणी को देखकर कह सकते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं को घटाने पर जरूरी नहीं कि एक प्राकृत संख्या मिले। सर, इसका मतलब कि प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। हाँ मोहन, क्या तुम इसी तरह पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक के बारे में बता सकते हो? हाँ सर, पूर्ण संख्याएं भी व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। शाबाश मोहन, तुमने सही जवाब दिया। और बच्चों, आपको याद भी होगा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि पूर्णांक व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। सर, क्या ऐसा परिमेय संख्याओं के साथ भी होगा? चलो देखते हैं। चलो अब कोई 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, जैसे कि 5/2 और 2/5। इनका व्यवकलन करके उत्तर बताओ। सर, इसका उत्तर है 21/10 और ये भी एक परिमेय संख्या ही है। बच्चों, एक और उदाहरण लेते हैं। अब 4 और 2/3 को घटा कर देखते हैं। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, क्या आपका भी उत्तर 10/3 आया, जो कि एक परिमेय संख्या है? बच्चों, अब इन संख्याओं को घटा कर देखिए, क्या प्राप्त परिणाम एक परिमेय संख्या ही है? आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इन संख्याओं के व्यवकलन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध है। आप ऐसा अन्य परिमेय संख्याओं के लिए भी करके देख सकते हैं। बच्चों, अब गुणन के लिए हम समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करते हैं। अब हम 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं। 2/7 और 3/5 का गुणन करने पर क्या प्राप्त होगा? सर, हमें 6/35 प्राप्त होगा और यह भी एक परिमेय संख्या है। बच्चों, क्या -1/3 और 2/5 का गुणन करने पर भी परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी? हाँ सर, इस बार भी हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई। बच्चों, इन संख्याओं का गुणन करके देखिए। आप भी इस सवाल को हल करिए। बच्चों, इस बार भी इन संख्याओं के गुणन से आपको एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हुई होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परिमेय संख्याएं जोड़ और व्यवकलन के साथ साथ गुणन के अंतर्गत भी समृद्ध है। बच्चों, अभी तक हमने परिमेय संख्याओं के व्यवकलन और गुणन के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा की। अगली वीडियो में हम भाग के लिए समृद्ध गुणधर्म की चर्चा करेंगे। इस सत्र में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।